सो ही नमस्कार दोस्तों, आपके पास है Realme 7 Pro और कोई भी Realme के डिवाइस। तो गाइस यहां पर Realme UI 2.0 का एक और नया अपडेट है वो हमारे सामने आ चुका है। गाइस यहां पर आप देख सकते हैं न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है। गाइस यहां पर जो Realme है उसने काफ़ी कमाल कर दिया, क्योंकि गाइस यहां पर डेली 2 वीक मीन्स हर 2 वीक में जो न्यू अपडेट है वो आ जाता है। गाइस यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो न्यू अपडेट है वो आ चुका है। गाइस यहां पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं करीब 600 MB के आसपास जो अपडेट है वो आया है। जो अपडेट है वो 26 दिसंबर को आ गया था, बट गाइस यहाँ पर कुछ डिले की वजह से मेरे को कुछ दिन बाद मींस 27 को अपडेट है वो देखने को मिल गया है। गाइस यहाँ पर जो अपडेट है वो आप देख सकते हैं जो RM27011C12 करके है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस अपडेट में क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है। गाइस इसको अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपके लिए वर्थ रहेगा या नहीं, सारी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इससे पहले गाइस आपको अभी तक Realme UI 2.0 का अपडेट नहीं मिला है तो गाइस आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमने कल वीडियो बनाया तो काफी सारे यूजर्स को जो अपडेट है वो सबसे पहले देखने को मिल गया। इनका वो सभी लोगों ने जो अपडेट है Realme UI 2.0 का वो अपने डिवाइस में कर लिया है। तो गाइस आपको भी Realme UI 2.0 का अपडेट डाउनलोड करना है तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, क्योंकि यहां पर आपको जो अपडेट है वो सबसे पहले देखने को मिल जाएगा और आप सबसे पहले डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते आज की इस वीडियो को। तो गाइस यहाँ पर जो प्रोसेस है वो मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, मींस जो अपडेट है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा लिस्ट हमको देखने को मिल जाता है, जो कि गाइस मैं आपको यहाँ पर 1 by 1 करके दिखा देता हूँ। बट गाइस यहाँ पर जो डाउनलोड है वो कम्प्लीट हो जाने दो, उसके बाद जो डिवाइस है वो मैं आपको रूट मीन्स रिबूट करके दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो अपडेट है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले अपडेट पर टैप करना है, तो आपका जो वर्जन है वो पहले वेरीफाई होगा, उसके बाद ही अपना जो डिवाइस है वो यहाँ पर रिस्टार्ट होगा। गाइस रिस्टार्ट होने में करीब करीब गाइस यहाँ पर 5 से 10 मिनट लग सकता है। तो गाइस अब मैं आपको मिलता हूँ 5 से 10 मिनट के बाद। तो गाइस यहाँ पर हमारी 5 मिनट कंप्लीट हो गई, हमारा जो अपडेट है वो भी सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर अब बढ़ते हैं कि इस अपडेट में आपको क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है और क्या कुछ यहाँ पर बग्स है वो फिक्स किया गया है। तो गाइस यहाँ पर आप अपडेट लोग देख सकते हैं काफ़ी लंबा आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर मैं जल्द से जल्द आपको बताने की जो कोशिश है वो कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है कि फ्रिजिंग यू स्विन सम ऐप। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आई थी कि जो फ़ोन है उसको आप लॉक करते थे तो गाइस जो फ़ोन है वो बार बार ऑटोमेटिक चालू होता था, बंद होता था, चालू हो जाए बंद हो जाए, ऐसा कुछ गाइस यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता था। गाइस यहाँ पर उस अपडेट को यहाँ पर फिक्स किया गया है। इसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट्सएप में भी कुछ इसी तरह का आपको एरर देखने को मिल जाता था। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब में सेम, गाइस यहाँ पर जो तीनों एप्लीकेशन है सेम प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। इसके बाद गाइस यहाँ पर अल्ट्रा नाइट मोड को ऐड किया गया है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट मोड है, उसमें आपको गाइस अल्ट्रा मीन्स 64 वाइड अंश का जो मीन्स लेंस का जो आपको अपडेट है वो अब देखने को मिल जाता है। गाइस यहाँ पहले था या नहीं वो तो हमको परफेक्ट याद नहीं है, बट गाइस यहाँ पर बता गया है कि जो अपडेट है उसमें एक बार ऐड कर दिया है। इसके बाद गाइस यहाँ पर बात करें कि ऐड वीडियो वाटरमार्क को भी ऐड कर दिया है, तो गाइस वो आप चेकआउट कर लेना अगर आप इन सभी यूज को एप्लीकेशन को यूज करते हैं। तो गाइस यहाँ पर वीडियो में वाटरमार्क ऐड कर दिया है। इसके बाद गाइस यहाँ पर फिक्स प्रॉब्लम व्हेन 960 FPS स्लो मोशन कैन नॉट सेव वीडियो। गाइस यहाँ पर जो अल्ट्रा स्लो मोशन का फीचर है उसको आप वीडियो सेव करते थे तो वो सेव नहीं होता था, तो इसको फिक्स किया गया है। इसके बाद गाइस यहाँ पर जो ब्राइटनेस लेवल है उसको एडजस्ट कर दिया है। इसके बाद गाइस यहाँ पर 720p में जो रिकॉर्डिंग है उसको 60 FPS में सपोर्ट कर दिया है। इसके बाद गाइस यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे मोटे बहुत सारे बग्स को फिक्स कर दिया है। ये सभी आपको एप्लीकेशन कैमरे में भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद गाइस यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें गाइस यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन किया गया है सभी एप्लीकेशन को। इसके बाद गाइस यहाँ पर गूगल असिस्टेंट को फिक्स कर दिया है, अब पावर मेनू से भी आप इसको अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पर सुपर पावर सेविंग मोड में कुछ बग्स था, स्प्लिट स्क्रीन में वर्क नहीं करता था तो उसको फिक्स किया गया है। इसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऐप हाइडिंग करते थे तो उसमें गाइस कुछ ग्लिच था उसको फिक्स किया गया है। तो ओवरऑल गाइस इस अपडेट में काफ़ी सारे ग्लिचेस है उसको फिक्स किया गया है। गाइस यहाँ पर आपको क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है उसके रिलेटेड कुछ अपडेट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट में बता देना, मैंने उसके रिलेटेड 2 या 3 वीडियो अपलोड किए हैं हमारे चैनल पर। तो गाइस प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेकआउट कर लेना क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है।
इसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो म्यूजिक प्लेयर है उसमें फिक्स्ड प्रॉब्लम डेड प्रोसेस बट डज नॉट मूव एंड देयर इज नो साउंड व्हेन प्लेइंग MP2 फॉर्मेट म्यूजिक। गाइस आप में से शायद कोई MP2 फॉर्मेट म्यूजिक यूज नहीं करता होगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इसके बाद गाइस फिक्स प्रोबेबली ऑटोमेटिकली अनलॉक द स्क्रीन रिपीटेडली इश्यू। गाइस यहाँ पर मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में कि अपनी जो डिस्प्ले है वो ऑन होती थी ऑफ होती थी ऑन होती थी ऑफ होती थी तो उसको गाइस यहाँ पर फिक्स कर दिया है। इसके बाद गाइस यहाँ पर मैंने अभी कोई चेक नहीं किया है कि क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है। अगर कोई मुझे देखने को मिल जाता है तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, आप सभी लोगों को कंफर्म करूंगा क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है। तो गाइस आज के जो वीडियो है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर मोर रियलमी यू आई 2.0 अपडेट के लिए आप हमारे चैनल टेक्स को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।